सहारा में फंसा पैसा मिलेगा वापस, गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को किया लॉन्च। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, अखिलेश के पास सबको साथ लेकर चलने का गुण नहीं। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में डंपर चालक की मौके पर हुई मौत, बकेवर थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर में अनियंत्रित कार ने दो लोगों को कुचला, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, नैमिसार थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर में अवैध रूप से मिट्टी खनन, पुलिस के सामने अवैध खनन का वीडियो वायरल, कुतुबनगर चौकी के गड़ासा गांव का मामला। एटा में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में दूधू कर जला ट्रांसफर, बंदरों की वजह से हुआ शॉर्ट सर्किट। सीतापुर सिरौली के भाजपा विधायक मनीष रावत ने गोंदलामऊ मंडल में डोर टू डोर संपर्क अभियान के तहत गाँव में किया जनसंपर्क। पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने कहा सीमा हैदर के मासूम बच्चों के बचपन की हिफाजत हो। बदायूं में गंगा की तेज धारा से कटान जारी, तटवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण मकान छोड़कर कर रहे पलायन, बाढ़ के चलते परिवार खुले में रहने को मजबूर। बरेली नगर आयुक्त निधि गुप्ता का वीडियो हुआ वायरल, नाले में गंदगी देख नगर आयुक्त ने उठाया फावड़ा।